जस्टिस मंसूर अली शाह की खसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक और खत लिख दिया, कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया, लिखा लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी, जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वाहिद ने कहा इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अदलिया की तारीख में वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी तरमीम हो सकती थी, हमारे पास नंबर्स पूरे थे लेकिन जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है, आईनी बेंच हो या आईनी अदालत कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहते थे वो हो गया। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का आइनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम को कबूल नहीं किया, अदालत जाएंगे, बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल तश्कील देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुतहद हैं, किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। डील हुई होती तो बुश्रा बीबी 9 माह जेल में ना गुजारती, बानी पीटीआई की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कल बताया था कि बुश्रा बीबी रिहा हो जाएंगी, कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी जेल में गईं। बानी पीटीआई से 26 अक्टूबर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म, कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बोर्ड तश्कील दें। बानी पीटीआई के जाती मॉलेज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का हुक्म, रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत, कहा हुक्मनामा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी भिजवाया जाए। साठ से जायद अमरीकी ऐवान ने नुमाइंदगान का अमरीकी सदर को खत, जो बाइडन से बानी पीटीआई समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, कहा पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में इंसानी हकूक को मरकज बनाया जाए। खत में अमरीकी सफारतखाने के अहलकारों से जेल में बानी पीटीआई से मिलने की अपील। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों पर तबसरा सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 60 अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी पीटीआई से मुतालिक खत पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दीरीना तावन पर मबनी ताल्लुकात हैं, ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं।